बरसात तो और भी बढ़ गई। लगता है आज दीपक जी नहीं आ पाएंगे, मुझे 2.5 सवाल अकेले ही पूछने पड़ेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 2.5 सवाल में आप सबका महान वैज्ञानिक चिपको स्वागत करता है। पहला सवाल यह कि इतनी वर्षा क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, और लाखों सालों से पृथ्वी पे जो पानी पड़ रहा है वो कहाँ जा रहा है। जरा सोचिए। जी हाँ, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। तब तक एक प्याली चाय पी ले। नमस्कार दोस्तों, 2.5 सवाल में आप सबका स्वागत है, और आपका भी स्वागत है महान वैज्ञानिक चिपकू जी। क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? एक गरम गरम प्याली चाय मिल जाती तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तो मौसम ही ऐसा है। लेकिन पहले आपको हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पूछिए पूछिए। एक तो ये कि ये वर्षा कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। और लाखों सालों से पृथ्वी पर जो पानी पड़ रहा है वो कहाँ जा रहा है। जरा आप भी सोचिए। एक मिनट, पहले चाय पी लें। जरूर जरूर पीजिए। वर्षा कैसे होती है, पानी कहां से आता है, और जो इतना सारा जल पृथ्वी पे गिरता है वो कहां जाता है। जरा सोचिए। ये क्या हो रहा है दीपक जी? देखते जाओ चिपकू। क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है। मैं समझा नहीं चिपकू। केतली में से पानी भाप बनकर बाहर निकल रहा है। हाँ, ठीक है। और ये भाप जब इस ठंडे बर्तन से टकराती है तो संघनित हो फिर पानी बन जाती है। संघनित? इकट्ठा होकर ये पानी बूंदों का रूप धारण करता है, और जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं, तो फिर नीचे गिर जाती हैं। और इसी तरह पृथ्वी पे भी सूर्य की किरणों के कारण जल वाष्पित होके ऊपर उठता है भाप बनकर। ये गर्म हवा जब ठंडी हवा से टकराती है तो संघनित हो बादलों का रूप धारण कर लेती है। जब बादल और पानी नहीं समेट पाते तो हिमपात या वर्षा होती है। ये पानी नदियों, तालाबों, झरनों, और समुद्र में जा मिलता है। हाँ, वो फिर वाष्पित हो ऊपर उठता है।
इसी तरह जल चक्र का क्रम बना रहता है। क्या समझे? समझ गया कि सूरज की गर्मी से ये झरनों, तालाबों और नदियों और समुद्र का पानी बाफ बन के ऊपर उड़ जाता है। ऊपर जाकर ठंडी हवा के साथ मिलकर बादल बन जाता है, फिर बादल वर्षा बनकर नीचे आ जाता है, फिर दोबारा वाष्पित हो जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। बिल्कुल ठीक भाई। वाह, जल एक पर रूप अनेक, जमाओ तो बर्फ उबालो तो भाप, कभी सख्त कभी नर्म, कभी ठंडा कभी गर्म। पानी रे पानी, तू है कैसा? ना बरसे अकाल करे, बरसे तो खुशहाल करे। ना बरसे अकाल करे, बरसे तो खुशहाल। कीमत ना तो लो इसकी है अनमोल नगीना। आंखों में आंसू बन बैठे मजदूर पर पसीना, में आंसू बन बैठे मजदूर पर पसीना। पसीना? हाँ, हमें पसीना क्यों आता है? चिपकू, तुम जानते हो हमारे शरीर का तापमान सामान्यतः एक ही रहता है, लेकिन जब हम खेलते दौड़ते चढ़ते या कोई भी शारीरिक श्रम करते हैं तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। उसे नियंत्रण में लाने के लिए ही हमें पसीना आता है। लगता है जैसे ये पसीना जब हमारे शरीर पर आता है तो हवा से टकराकर सूखता है और हमारे शरीर का तापमान एक बार फिर नियंत्रण में आ जाता है। हाँ, पसीना सूखने पर ठंडक का एहसास तो होता है। और ये प्रक्रिया इंसानों में ही नहीं बल्कि अन्य जीव जंतुओं में भी नजर आती है। जैसे तेज दौड़ के बाद घोड़ा पसीने में लथपथ होता है, और जब बहुत गर्मी होती है तो कुत्ता जीभ बाहर निकाल के हांफता है, और गर्मियों में पेड़ों से घना इलाका
ठंडा महसूस होता है, क्योंकि पेड़ पौधे भी जल वाष्पित करते हैं। हाँ, और नहाने के बाद भी हमें ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि हमारे शरीर पर पानी वाष्पित होता है। इससे शरीर की गर्मी के कारण यह पानी बाह बन हवा में उड़ जाता है। बिल्कुल, वाह चिपकुआ, आप बहुत ही समझदार हैं। अरे हजूर, समझना भी एक समझ है। अभी समझ लेते हैं कि आप कितना समझे हैं चिपकू जी। देखो चिपकू, इन दोनों गिलासों में पानी है। तुम्हें ये बताना है कि कौन से गिलास का पानी ज्यादा ठंडा है। हाथ नहीं लगाना है और पीना भी नहीं है। बिना पिए और बिना छुए ये बताओ कि कौन से गिलास का पानी ज्यादा ठंडा है। बिना पिए बिना छुए ये कैसे हो सकता है भाई? पीना या छूना तो पड़ेगा ही। सोचो सोचो महान वैज्ञानिक चिपकू जी। हाँ, आप भी सोचिए, मैं भी।